जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों भारतीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट भर्ती 2024-25 को लेकर के खबर आई है। उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझ में भी आ जाएगी और सारी चीजें पता भी चल जाएंगी। ये जो भर्ती है ये तुम्हारी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ भर्ती है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ग्राउंड स्टाफ में हेल्पर है, सहायक है, हैंडीमैन है, ठीक है, लोडर वाला है, और भी बहुत सारे पद हैं उनके ऊपर, ग्राहक सेवा एजेंट के पद हैं उनके ऊपर भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, चयन किस प्रकार से होगा, एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन कितना मिलेगा, सारे की सारी जानकारी आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगी। ये भर्ती आपके काम की है या नहीं है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। देखो जी, भारतीय हवाई अड्डा भर्ती 2024 एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की भर्ती है, भारतीय एविएशन सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की भर्ती है, ग्राहक सेवा एजेंट, लोडर, हेल्पर, इन पदों पर यह भर्ती है, जिसमें साथियों महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जानकारी को समझ लेंगे, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई सारे के सारे। अब देखो इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू है साथियों, लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2024। इतनी लंबी इसमें प्रोसेस है अक्टूबर तक, अब तो अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, इतना लंबा इसका प्रोसेस रहेगा। फॉर्म भरने तक का इतना समय दिया जा रहा है, बिल्कुल साथियों फॉर्म भरने का भी बहुत ज्यादा समय आपको दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अच्छा जी, अब इसमें देखो पदनाम, पद, योग्यता, वेतन, सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। पदनाम ग्राहक सेवा एजेंट CSA, कस्टमर सर्विस एजेंट के 2653 पद हैं, 380 के फॉरम फीस लगेगी, 12वीं पास योग्यता है, 13,000 से 30,000 आपको वेतन मिलेगा, ठीक है साहब। अगला पद है लोडर का है, हेल्पर का है, हाउसकीपिंग का है, 855 पद हैं, 340 रुपये फॉरम फीस लगेगी, केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, 12,000 से 20,000 आपको वेतन मिलेगा, ठीक है साहब। अच्छा, अब इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखो एज इसमें क्या है, 18 से 28 और 18 से 33 साल। अगर आप 10वीं पास वाली भर्ती में फॉर्म भरते हो लोडर, हेल्पर, हाउसकीपिंग में, तो इसमें 18 से 33 साल है साथियों एज। और अगर आप CSA ग्राहक सेवा एजेंट में फॉर्म भरते हो तो आपकी एज 18 से 28 साल रहेगी, जो कि जनरल की है, ठीक है साहब। और SC ST का 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट रहेगी। एग्जाम होगा साथियों इसमें, एडमिट कार्ड भी आएगा आपका, बाकायदा इसमें एग्जाम लिया जाएगा। और ये कंपनी की नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना, ये कंपनी की नौकरी है साथियों। मैंने बता रखा है भारतीय एविएशन सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है साथियों। इसमें आपको क्या होता है, आपका चयन कैसे होता है, एग्जाम लिया जाता है, ठीक है साहब। एग्जाम सेंटर कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है जी। तो एग्जाम देने के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे तो फिर आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और ट्रेनिंग करवाने के लिए साथियों आपसे पैसे लिए जाएंगे, बिल्कुल साथियों 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जिस प्रकार का आप कोर्स करोगे उसी के अनुसार आपकी फीस रहने वाली है। अगर आप मान लीजिए आप हैंडीमैन वाला कोर्स करते हैं, हैंडीमैन, हैंडी वुमैन, जो हेल्पर होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो भाई वहां पर ट्रोली व्रोली खींचने का काम करते हैं, यात्रीगणों की सहायता करते हैं, विकलांग जो लोग होते हैं उनको सीट पर बिठा करके हवाई जहाज तक ले जा
जाते हैं, लाना ले जाने का काम रहता है। लोडर वाले जो होते हैं, जो कार्गो, जो एरोप्लेन होते हैं, कार्गो हवाई जहाज होती हैं, जो मालगाड़ी होती है एक प्रकार से, उसमें से माल आपको उतारना है, चढ़ाना है, ये लोडर का काम आप करते हैं। तो उस प्रकार का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उस प्रकार का कोर्स आपको ये करवाएंगे, उसके फीस लगेगी, पैसे लगेंगे साथियों, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपसे फीस ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो साथियों आप फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म मत भरना, फिर क्या फायदा भाई हैं? जब आपके पास फीस ही नहीं है, पैसे नहीं है, तो भैया क्यों फॉर्म भर रहे हो, क्यों इतनी पापाई कर रहे हो? पैसे देने पड़ेंगे, वहां पर कोर्स करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोर्स करने में असमर्थ हैं तो आप नौकरी भी नहीं ले पाओगे। ये उसी को नौकरी लगवाते हैं जो कोर्स कर लेता है, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है उसको, फिर ये एयरपोर्ट पर वैकेंसी आती है तो एयरपोर्ट पर जॉब देते हैं साथियों, ठीक है? क्योंकि यहां पर आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लास्ट में जाकर के कहां पर अटकोगे? कोर्स करने के लिए फीस नहीं है साहब। तो फीस नहीं है तो फिर भैया कोर्स कैसे करोगे? कोर्स नहीं करोगे तो भैया आपका चयन नहीं होगा, आपको किसी भी एयरपोर्ट पर जॉब नहीं लगवा पाएंगे ये लोग, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोर्स करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे इनकी पूरी, तब जाकर के आपको एयरपोर्ट पर जॉब मिलेगी साथियों, और फिर आपको ये वेतन मिलेगा, और फिर आपको सारा प्रक्रिया है, ड्रेस कोड भी है इनकी, ड्रेस वर्दी वगैरह जो भी होती है, ड्रेस वगैरह वो आपको मिलेगी साथियों, ठीक है साहब? अच्छा, अब इसमें देखो फिर आपको क्या होगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जो पासपोर्ट तो ये खुद ही बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कोर्स कर रहा है फीस दे रहा है तो उसका पासपोर्ट भी बनवा देते हैं, जैसे ही चयन होता है तो पासपोर्ट भी जरूरी है, तो पासपोर्ट ये खुद बनवा देते हैं, ठीक है साहब? पासपोर्ट की कोई चिंता नहीं है। एग्जाम कब तक हो जाएगा उसकी डेट भी घोषित हो चुकी है, 1 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक आपकी एग्जाम रहेंगे, परीक्षा रहेंगी साथियों। समय 90 मिनट का मिलेगा, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम का, और एग्जाम सेंटर हैं जो साथियों कहीं पर भी आ सकता है, दिल्ली भी आ जाए, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाए, मुंबई आ जाए, कलकत्ता आ जाए, और कहीं पर भी आपके नजदीक भी आ सकता है, राजस्थान वालों का जयपुर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पद कितने हुए साथियों? 3508 पदों पर ये वैकेंसी है, इसमें आपको कोर्स करवाया जाएगा भाई, लास्ट में कोर्स करोगे तो ही आपको चयन मिलेगा, अन्यथा आपकी चयनित नहीं हो पाओगे, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी एयरपोर्ट के पर, ठीक है साहब? ये थी पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन दिया गया है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन को चेक कर लो, उसमें मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, भारतीय एविएशन सर्विसेज लिमिटेड के कॉन्टैक्ट नंबर भी उस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, अगर आप बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करें, पहले अप्लाई ना करें, पहले पूरी जानकारी को समझ लें जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है साहब? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।